आजमगढ़ जिले में बिजली की समस्या को लेकर आज लोग सड़क पर उतर आए और साथ ही वर्तमान सरकार को चुनौती दी और कहा कि बेपटरी हो चुकी बिजली की समस्या अगर सही नहीं हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। ये बातें बदहाल विद्युत व्यवस्था के विरोध में धरनारत युवा मंच के सामाजिक संगठन प्रयास GYSS महादेव सेना सहित स्थानीय लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर कहा। किशन जी, आज आप लोग रोड पर बैठ करके और आप लोग के हाथों में कंप्लेंट है, क्या है ये, क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप? आज हम लोग लगभग 4 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, आज हमारा 5वां दिन है और हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं आज कहीं ना कहीं। हम लोगों को कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो है वो इग्नोर कर रहा है और हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग हमको चिढ़ाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी बस आज हम लोगों को सड़कों पर आकर बैठना पड़ गया, क्योंकि हमारे घरों के जो पंखे हैं वो बंद पड़े हैं, बिजली नहीं है, पंखा बंद है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, तो आज कहीं ना कहीं मजबूरी में आकर हम लोगों को यहाँ पे अपनी जन चेतना को जागृत करने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का एक मौका मिला है कि समाज के लिए हम लोगों की प्रति भी कोई जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का हम युवा साथी निर्वहन करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग बिजली विभाग से बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि बिजली विभाग के जो अधिकारी लोग हैं, कई बार उन लोगों को फ़ोन किया जाता है तो वो लोग फ़ोन उठाते हैं और फिर उसके बाद फ़ोन उठाने के बाद जो आम जनमानस है, गरीब आदमी है, वो फ़ोन करता है तो उसको कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में लेकर और उसको उसकी आवाज़ को दबाकर और उसको अपने मार्ग से भटकाने का काम करते हैं, तो इन सब बातों को लेकर हम विरोध। क्या आज आप किसी बिजली विभाग से या जेई से या किसी भी अधिकारी से आपकी बात हुई है क्या? यहाँ उन्होंने क्या पसंद दिया है आपको, ये बात है? बिजली विभाग के चीफ साहब का फोन आया था जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी सारी मांगे हमारे पास आ गई हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये जो मांगे हैं ये काफ़ी जो है मतलब उन लोगों को मतलब इसको इसकी इसका आभास है कि अपनी जिम्मेदारी का आभास है कि इन सब मांगों को लेकर वो लोग विचारहीन हैं और इस पर विचार करेंगे, तो इस बात को लेकर उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया। किशन जी, जहां अभी देखा जा रहा है कि आप भूख हड़ताल की भी मतलब कर रहे हैं कि हम भूख हड़ताल भी करेंगे, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, बिजली अगर नहीं होती तो आप क्या? नहीं, आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं महोदय, मैं आपको बता दूं 4 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हुए थे लेकिन आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस विषय को लेकर हमने मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, SDM साहब को ज्ञापन दिया है, बिजली विभाग के चीफ साहब हैं उनको भी हमने दिया था, तो आज बिजली विभाग के चीफ साहब ने कहा था कि हमारे विभाग से कोई ना कोई संबंधित अधिकारी आपके पास जाएगा और आपकी सारी मांगों को स्वीकार किया जाएगा।